हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बालों के लिए हेयर स्ट्रेटनर ढूंढ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके बालों के अनुसार कौन सा हेयर स्ट्रेटनर आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद जो भी आप स्ट्रेटनर खरीदोगे वो आपके बालों के लिए बेस्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और मैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, होम, ब्यूटी इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा हेयर स्ट्रेटनर खरीदने से पहले कि हमारे हेयर की क्वालिटी कैसी है, हमारे हेयर किस तरीके के हैं। जो हेयर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे पहला होता है जिसमें कि बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत रूखे होते हैं और थोड़े कम होते हैं, मतलब जो एक एक बाल होता है वो भी पतला होता है, उनकी क्वांटिटी भी कम है, बहुत ज़्यादा रूखे भी हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट से अगर आपके बाल हैं तो आपको एक अलग तरीके का स्ट्रेटनर चाहिए होगा। अगर आपके बाल जैसे सिंगल बाल, अगर आपका एक सिंगल बाल भी अगर आपका हल्का सा मोटा है और आपके बाल जैसे मेरे जैसे वेवी बाल हैं तो आपको एक, और हल्के हल्के कर्ल हैं तो आपको एक अलग स्ट्रेटनर चाहिए होगा। अगर मेरी तरह आपके बाल घने हैं तो आपको एक अलग स्ट्रेटनर चाहिए होगा। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघरालू है, बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा घने हैं तो आपको एक अलग स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा अगर हम स्ट्रेटनर लेते हैं। तो जो स्ट्रेटनर होता है सबसे पहले उसमें हमें देखना होता है कि उसकी जो प्लेट है वो किस चीज़ की बनी हुई है। जो स्ट्रेटनर होते हैं उसमें बेसिकली तीन प्लेट्स आती है। एक होती है जो सेरेमिक कोटेड होती है, जो कि बहुत ही पतले बाल जिनके होते हैं, डेलिकेट से जिनके हेयर होते हैं उनके लिए वो बेस्ट होती है। तो सेरेमिक में भी एक सेरेमिक प्लेट आती है और एक सेरेमिक कोटेड प्लेट आती है। तो ये दो तरीके की उसमें प्लेट्स आती है, जो कि जिनके बाल बहुत पतले हैं, जिनके बाल बहुत डेलिकेट है, रूखे हैं, फ्रीजी है, उनके लिए वो जो सेरेमिक प्लेटेड जो स्ट्रेटनर होते हैं वो उनके लिए बेस्ट होते हैं। जिनके बाल मेरी तरीके से है जैसे कि वेवी हैं और थोड़े थिक हैं, थोड़े से घने बाल हैं, तो आपको वैसे बालों के लिए आपको चाहिए टाइटेनियम वाली जो प्लेट होती है स्ट्रेटनर में, वो चाहिए होती है। जैसे कि ये मेरे पास मेरा स्ट्रेटनर है, तो जो ये प्लेट है ये प्लेट टाइटेनियम वाली है। तो जिसके बाल मेरे जैसे हैं, थोड़े मोटे हैं, थोड़े घने हैं और जिनके शायद मुझसे भी ज़्यादा घुंघरालू होंगे, उनके लिए भी जो टाइटेनियम वाली प्लेट होती है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरे, जिनके बहुत ज़्यादा घुंघरालू बाल होते हैं, जिनके बहुत रफ बाल है, बहुत ज़्यादा घुंघरालू बाल है, बहुत ज़्यादा हैवी बाल है, जिनका एक एक बाल ही बहुत मोटा है और जिनके बहुत ज़्यादा बेकार बाल बोल सकते हो या जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपके बाल वैसे हैं तो आपको जो टर्मलाइन करके एक स्टोन वाली ये ब्लेड होती है ना, उस जैसे ये टाइटेनियम की है, वो टर्मलाइन की आती है, वो वाली प्लेट आपको खरीदनी चाहिए। वो एक तरीके का पत्थर होता है, वो जब गर्म होता है तो वो जो सबसे ज़्यादा जो टफ बाल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे बाल, बहुत ज़्यादा घुंघरालू बाल होते हैं, उनको सीधा करने में हेल्प करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघरालू है और अगर आपने जो सेरेमिक प्लेट वाली अगर आपने स्ट्रेटनर खरीद लिया तो वो आपके बालों पर वर्क नहीं करेगा। और इनकी जो प्राइसिंग होती है वो भी इसी अनुसार होती है, जो कि सेरेमिक वाली प्लेट होती है वो थोड़ी कम महंगी होती है, टाइटेनियम वाली थोड़ी इनसे ज़्यादा महंगी होती है और जो टर्मलाइन वाली होती है वो और ज़्यादा महंगी प्लेट होती है। तो ये तीन तरीके की प्लेट्स आती है जिसके अनुसार स्ट्रेटनर आते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके बाल किस तरीके के हैं, देन आपको उस अनुसार आपके लिए स्ट्रेटनर खरीदना है। सेकेंड चीज़ जो आपको देखनी है कि क्या आपको स्ट्रेटनर सिर्फ स्ट्रेट करने के लिए चाहिए या आपको कर्ल करने के लिए भी चाहिए। अगर आपके बाल पतले हैं और अगर आप सोचते हो कि आप एक चीज़ से दो काम कर लो, तो ये जो जिनके एजेस ये राउंड होते हैं वो स्ट्रेटनर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेट तो कर ही सकते हो बाल, साथ ही में आप कर्ल भी कर सकते हो, क्योंकि ये जिनके एजेस होते हैं वो छोटे होते हैं और जिनकी जो विड्थ होती है ना ये भी चुकम चौड़ी होती है, तो आप इनमें जो कर्ल होते हैं वो भी आप अपने क्रिएट कर सकते हो अपने बालों में।
तो दूसरी चीज आपको ये देखनी है। बट अगर आपके बाल आपको सिर्फ स्ट्रेट करना है तो जो चौड़ी प्लेट वाले जो स्ट्रेटनर होते हैं वो आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रेट करने हैं बाल, आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्ल बाल है तो सिर्फ आपको स्ट्रेट करने हैं तो आपको चौड़ी प्लेट के खरीदने चाहिए, क्योंकि इस प्लेट में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आपको सिर्फ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट के साथ कर्ल भी करने थे दैट्स वाई मैंने ये वाला खरीदा, अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट करने हैं तो जो चौड़ी प्लेट वाले जो स्ट्रेटनर होते हैं वो आपको खरीदने चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड चीज़ जो आपको ये देखनी है वो है कि टेम्परेचर कंट्रोल। आप कोई भी ऐसा स्ट्रेटनर ला ना ले जिसमें कि ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली सेट होता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी है या मोटे हैं और उसमें सिर्फ एक परफेक्ट डिग्री पर ले जाकर आपके बालों को छोड़ देता है तो क्या होगा, जैसे आपके बाल पतले हैं तो आपके बाल जलने का ज़्यादा डर रहेगा, और अगर आपके बाल मोटे हैं तो आपके बाल स्ट्रेट ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये होती है कि कई बार हम जैसे उसे ऑन करके छोड़ देते हैं तो जो जिनका टेम्परेचर एक सेट होता है उनमें क्या प्रॉब्लम है कि वो एक लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और इस कारण वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, जबकि जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं जिनमें कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर सेटिंग होती है, तथा जैसे ये है अभी, अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको ऑन करके छोड़ भी दूंगी ना तो ये 30 सेकंड बाद में जब ये एकदम से गर्म हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, तो मतलब इसमें ऑटोमेटिक पावर ऑफ भी हो जाती है जब इसका यूज़ नहीं हो रहा होता है। तो आपको ऐसा हेयर स्ट्रेटनर लेना है जिसमें कि आप अपने अनुसार टेम्परेचर कंट्रोल कर सको। अगर आप एक ही टेम्परेचर वाला लोगे स्ट्रेटनर तो वो आपको क्या करेगा कि अगर आपको जैसे पतले बाल हैं तो आपके बालों को जला देगा, और अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप उसको प्रॉपरली स्ट्रेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें तो एक ही टेम्परेचर सेट है। तो और आपके घर में सिर्फ आप अपने अनुसार, जैसे मान लीजिए कि आपके बाल पतले हैं और आपने उस अनुसार आपका हेयर स्ट्रेटनर खरीद लिया कि इसमें मैक्सिमम इतना रहता है, तो फिर आपके घर में कोई और उसे यूज़ भी नहीं कर पाएगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। आपको हमेशा वही स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए जिसमें कि आप खुद अपने अनुसार टेम्परेचर कंट्रोल कर सको, आप अपने बालों को समझ सको कि आपके बालों को कितनी हीट चाहिए, उस अनुसार आप अपने अनुसार इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर सको। तो आपको ऐसा हेयर स्ट्रेटनर चाहिए, साथ ही जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तब वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आपको ऐसा ही एक हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको जो प्राइस रेंज है वो कैसी जाएगी। अगर आप सेरेमिक वाली प्लेट वाली या सेरेमिक कोटेड अगर आप हेयर स्ट्रेटनर लेते हैं तो वो आपको थोड़ा कम पैसों में मिल जाएगा, और अगर आप टाइटेनियम वाली लेते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर आप टर्मलाइन वाली लेते हो तो उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। बट अगर आपके बाल जिस अनुसार है आपको उसी अनुसार आपके लिए हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए। अब अगर आप कोई भी चीज़, अगर आप मान लीजिए कि आप बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली है और अगर आप सेरेमिक वाली अगर आप थोड़ा सस्ता देख के ले लोगे तो फिर वो आपके बालों पे वर्क ही नहीं करेगा, तो जो आपने पैसे लगाए हैं वो सारे ही वेस्ट हो जाएंगे। और मैं तो आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि जो हेयर स्ट्रेटनर है वो हमारे बालों पे वर्क करता है, जो हमारे बाल हैं, जो हमारी पूरी फेस की जो जो दिखते हैं हम, आधे से ज़्यादा हमारे बालों की वजह से दिखते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा हेयर स्ट्रेटनर नहीं खरीदना चाहिए जो हमारे बालों को ख़राब कर दे। तो आप अपने बालों के अनुसार हेयर स्ट्रेटनर खरीदें, कभी भी कोई चीप हेयर स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो वैसे भी आपके बर्बाद ही होंगे। तो आपको एक ऐसा हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए जो आपके बालों के अनुसार हो। तो अब आपको समझ आ ही चुका होगा कि आपके बाल जिस तरीके के हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, डेलिकेट है, तो आपको सेरेमिक वाली लेनी चाहिए, सेरेमिक कोटेड भी नहीं लेनी चाहिए। सेरेमिक कोटेड में क्या होता है कि वो क्या, थोड़े टाइम बाद में उसकी जो कोटिंग होती है वो निकलने लग जाती है, उसके बाद में वो कहीं से गर्म होता है कहीं से गर्म नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपको सेरेमिक वाली ही प्लेट लेनी है। अगर आपके बाल मेरी जैसे हैं, थोड़े से वेवी हैं, थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से घने बाल हैं, तो आपको जो टाइटेनियम वाली प्लेट होती है ये आपको लेनी चाहिए। तो आई होप मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर पाई होगी। तो आपको तीन चीज़ देखनी है, पहली है उसकी विड्थ, सेकंड है उसकी प्लेट, और थर्ड है उसका टेम्परेचर। आपको ये तीनों चीज़ चेक करनी है, देन ही आपको किसी भी हेयर स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना है। तो आप अब जब भी हेयर स्ट्रेटनर अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन देखने जाएं तो आप ये तीनों चीज़ें चेक करें, और फिर अपने अनुसार जो आपके बालों को सूट करे वो हेयर स्ट्रेटनर खरीदें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।